हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले GTA 5 जोम्बी एपोकलिप्स सीरीज़। सो यहाँ पे हमारा कैरेक्टर है माइकल डी सेंटा, जो गवर्नमेंट का बेस्ट सोल्जर, वन ऑफ बेस्ट सोल्जर है। और इसको यहाँ भेजा गया है, जैसा कि आप बाहर सुन ही सकते हो, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही है। माइकल को भेजा गया है FIB की मदद करने इस एपोक्लिप्स में। एपोक्लिप्स को हुए हुए नियरली 10 दिन हो चुके हैं और कोई भी तैयार नहीं है कैसे इसे डील करना है। देख रहे हो बिजली की आवाज़ सुन रहे हो, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जैसा कि देख ही सकते हो बाहर, ओहो कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है और इतने सारे वॉकर्स अंदर घुस चुके थे। तो अंदर चलते हैं। अगर मैं जॉम्बीज को वॉकर्स कहूँ तो कंफ्यूज मत होना, जॉम्बीज और वॉकर दोनों एक ही चीज है। देखो एक और घुस गया। मेरे गार्ड्स इसको क्लीन कर देंगे। बॉस ने हमें ऊपर बुलाया, तो अभी बॉस के पास जाते हैं, देखते हैं उनको क्या काम है हमसे। तो जैसा कि देख सकते हो, कुछ गिने चुने सर्वाइवर्स हैं हमारे पास जो अभी FIB के लिए काम कर रहे हैं। और सबको नोटिस बाहर मिल चुका है कि जो भी सर्वाइवर्स हो वो इधर आ सकते हैं। और मेजॉरिटी देखो तो सबके पास गन्स नहीं है, हमारे पास गन्स की भी बहुत ज़्यादा कमी है। और इनको ट्रेन भी करना पड़ेगा, लेकिन अभी वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हम वेट करेंगे कब वेदर ठीक हो, उसके बाद हम सबको ट्रेनिंग देंगे। तो फ़िलहाल ऊपर चलते हैं बॉस के पास। हम आ चुके ऊपर वाले फ्लोर पे, देखते हैं बॉस को हमसे क्या काम है। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, पता नहीं आप लोग को आवाज़ आ रहा होगी नहीं, बिजली कड़कने की। देखो ये बॉस के बहुत सारे गार्ड्स हैं और यहाँ पे कुर्सियाँ गिरी पड़ी है, सब किसी ने अरेंज नहीं किया है। चलो बॉस से बात करते हैं। हाँ बॉस, आपने बुलाया था मुझे। हाँ माइकल, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दोस्त लेस्टर को यहाँ पे ले आओ। यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स और टेक्निकल चीज़ें पड़ी हुई है और हमें एक इंसान चाहिए जो ये बिल्डिंग में ये सब चीज़ें संभाल सके। ठीक है बॉस, लेस्टर मेरा बहुत पुराना दोस्त है, वो मेरी हेल्प करेगा, लेकिन बहुत दिनों से हम लोग का कॉन्टेक्ट नहीं हुआ है और मुझे ये भी नहीं पता है कि वो कहाँ रहता है। मुझे लगता है डेव को उसकी लोकेशन मालूम है। हाँ मुझे पता है लेस्टर कहाँ पे, हमारे कुछ सोल्जर्स पता लगा रहे थे बाहर और उनको इंटेल मिला है कि एक लोकेशन में लेस्टर है, जब मुझे पता है तो मैं तुम्हें वहाँ पे ले चलूँगा। माइकल तुम डेव को अपने साथ ले आओ, ले जाओ, और लेस्टर को लेके इधर ले आओ ताकि हमारी हेल्प हो जाए इस बिल्डिंग में। गाइस, बॉस का ऑर्डर हमने ले लिया है और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं और बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, और इन सब को हैंडल करने के लिए हमें एक टेक्निकल इंसान चाहिए जो इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट हो, और लेस्टर से अच्छा मुझे नहीं लगता कोई और हो सकता है। तो डेव को पता है लेस्टर की लोकेशन, तो मैं हम उसके साथ जाएंगे, लेस्टर को लेके इधर आएंगे। डेव तैयार है हमारे साथ चलने के लिए। चलो चलते हैं, लेस्टर को लेके आते हैं। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको ट्रेनिंग देना पड़ेगा गन चलाने की। फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक पिस्तौल है और नियरली 200 बुलेट्स है हमारे पास। केयरफुली यूज़ करना होगा, कब ये ख़त्म हो जाए पता भी नहीं चलता है इस मोड में। बारिश बहुत तेज है, फटाफट गाड़ी में चलते हैं। और स्ट्रॉम की वजह से देखो क्या हुआ, ये गाड़ी इधर इससे टकरा गई सीधे बारिश की वजह से, खतरनाक स्ट्रॉम आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो ये गाड़ी के पीछे हम यहाँ पे बड़े वेपन स्टोर कर सकते हैं।
क्योंकि हम अपने साथ सिर्फ एक ही बड़ा वेपन रख सकते हैं और एक थ्रोएबल आइटम रख सकते हैं जैसे ग्रेनेड या मोलोटॉप। सो एक बड़े आइटम की जगह है यहाँ ऊपर, सो हम वो इसमें जो भी हमें रखना है वो हम यहाँ पे रख सकते हैं गाड़ी के पीछे, और साथ ही हम फ्यूल टैंक को भी पीछे स्टोर करके रख सकते हैं कि गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाए अगर, सो हम कहीं पे भी फ्यूल भर सके। सो गाड़ी में बैठते हैं। सो डेव अभी हमें बताएगा कि किधर जाना है लेस्टर। सो ये वो लोकेशन है जहाँ लेस्टर का घर है, सो चलते हैं उसी लोकेशन पे। सो गाड़ी को घुमा लिया और चलते हैं सीधा लेस्टर के लोकेशन पे। और यहाँ पे ज़ॉम्बीज हैं बहुत सारे, एक आगे भी दिख रहा है। ये जो चिल्लाने वाले ज़ॉम्बीज होते हैं वो बेसिकली रनर्स होते हैं जो तेज़ तेज़ भागते हैं। सो कोशिश करूँगा गाड़ी में स्लो चलाऊँ, और जैसा कि देख सकते हो आगे का कांच टूटा हुआ है गाड़ी का। सो पेट्रोल देख सकते हो यहाँ पे मैप के जस्ट ऊपर पेट्रोल देखने को मिल जाएगा। सो पेट्रोल भी लेना पड़ेगा अगर, वरना गाड़ी कभी भी बंद हो सकती है। सो देखते पेट्रोल का लोकेशन किधर है। सो लेस्टर के घर जाने के रास्ते में ही एक पेट्रोल पंप है, तो वहाँ से हम पेट्रोल भी अपने गाड़ी के डिक्की में रख लेंगे जिससे कभी भी पेट्रोल की ज़रूरत पड़े पेट्रोल भर सकते हैं हम लोग। सो मौसम का हाल बहुत ख़राब है, इस मौसम में ऐसे मिशंस पे जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पता नहीं लेस्टर ठीक होगा कि नहीं। और अगर आप लोग ये वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ये जो सीरीज़ है इसमें स्टोरी चलेगी और बेसिकली बहुत सारे एपिसोड्स मैं लाने वाला हूँ ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के। सो आपका इसमें इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना कि जब भी नया एपिसोड डालू इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप देख लो एपिसोड, और ये एपिसोड कैसा लगता है और ये वेदर कैसा लगता है, क्या ये वेदर में आपको देखने में गेम प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं आगे आने वाले एपिसोड्स में ये बारिश वाला वेदर हटा दूंगा, या फिर अगर ठीक लगता है तो वो भी कमेंट में बता देना। सो चलते हैं लेस्टर के लोकेशन में। तो डेव ने अभी अभी हमें बताया कि हमें ट्रेवर के बारे में पता लगाना पड़ेगा कि ट्रेवर किधर है और कहाँ पे है, क्योंकि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के आने से पहले ही माइकल को मिशन मिला था ट्रेवर को मारने का, क्योंकि वो बेसिकली उसने बहुत सारे क्राइम किए हैं और कर रहा है, लेकिन माइकल का पुराना दोस्त है ट्रेवर, तो माइकल नहीं चाहता था ट्रेवर को मारना। वो तो अच्छा वो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ गया, तो ये जो ट्रेवर वाली मिशन है उसको साइड पे रख दिया गया है क्योंकि अभी लोगों की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। सो माइकल ट्रेवर को मारने वाले मिशन में जाने ही वाला था, उससे जस्ट पहले एपोकलिप्स आ गया। सो डेव वही बता रहा है कि हमें ट्रेवर का पता लगाना पड़ेगा, ट्रेवर कहाँ पे और वो क्या कर रहा है अभी। सो आपको ट्रेवर की स्टोरी जाननी है तो भी कमेंट में बताना, आगे आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिल जाएगा। सो ये जो फ्यूल जहाँ से हमें लेना था वो नीचे के साइड है, और हम ब्रिज पे आ चुके हैं। सो फटाफट मैं नीचे ले चलता हूँ गाड़ी को। फ्यूल देखो बहुत कम हो चुका है पहले से ही, और ये ठोक दिया मैंने, थोड़ा स्लो ही चलाना पड़ेगा क्योंकि बारिश हो रहा है तो रास्ता बहुत गीला हो चुका है, तो ड्राइविंग मुश्किल है। ओह यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, धीरे से चलते हैं यहाँ साइड से, और यहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा पेट्रोल भरवाने के लिए, होपफुली ज़ॉम्बीज ना आए। सो डेव उतर जा तू भी। सो ये रहा फ्यूल टैंक, इसको उठा लेते हैं यहाँ से।
और इसको उठा के हम कार में रख देते हैं ताकि फ्यूल जब भी खत्म हो हम भर सके फ्यूल को। सो फ्यूल को सिलेक्ट करते हैं, और प्रेस आई। सो जैसा कि देख सकते हो गाड़ी में फ्यूल, देख सकते हो ये बॉक्स में फ्यूल है। सो फ्यूल आ चुका है हमारे पास, इसको बंद कर देते हैं। सॉरी ये मोड्स के लिए वजह से बहुत ग्लिच होता है। और ज़ॉम्बीज आ चुके, शिट। सो इनको क्लियर आउट करना पड़ेगा। इधर फटाफट ऊपर चढ़ता हूँ। सो डेव और मैं ऊपर चढ़ चुके, और देखो यहाँ पे सबको क्लियर आउट करना पड़ेगा डेव और मुझे मिलके। और ज़ॉम्बी सब खड़े होके, ओहो हर्ड आ रही है पूरी एक साथ। जब हम लोग ऊपर थे तब ये लोग कुछ कर नहीं रहे थे। सो डेव भी नीचे आ चुका है। सो फटाफट गाड़ी में बैठ के निकलना पड़ेगा। ओ शिट, आ जा डेव जल्दी। इनको गोल घुमा के मैं गाड़ी में बैठ के निकल जाऊंगा यहाँ से। तब तक शूट करते इनको, मार डेव। बढ़िया, हो हम पेट्रोल भी तो फोड़ सकते हैं, तो मैं यही फोड़ देता हूँ। बढ़िया, नाइस। सो फटाफट निकलते हैं यहाँ से। गाड़ी की हालत कितनी ख़राब हो चुकी है, और मैं फटाफट डिक्की बंद कर दूँ। शिट, एक और ज़ॉम्बी। और ये डिक्की फटाफट, हाँ चल चलो, डिक्की क्लोज हो चुकी है। फटाफट बैठ डेव। सो गाइस पेट्रोल हमें मिल चुका है फाइनली, और टायर पंचर हो चुकी है। शिट, देख सकते हो आगे का टायर पंचर हो चुका है। सो अब जाते हैं लेस्टर की लोकेशन में। अब और कोई चारा तो बचा नहीं है, ऐसे ही जाना पड़ेगा हमें। इस वेदर में मिशंस करना बहुत मुश्किल है। शायद मैंने पेट्रोल पंप फोड़ा, उसकी वजह से आगे का टायर ख़राब हो गया। सो हम यहाँ से पैदल जाने का रिस्क तो नहीं ले सकते, अभी हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा लेस्टर के घर। और ये वेदर ये मिशन को और मुश्किल बना रहा है, क्योंकि गाड़ी चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है इस वेदर में। जैसा कि देख ही सकते हो सिटी को, पता नहीं सारे सर्वाइवर्स कहाँ गए। ज़्यादातर लोग ये घरों में ही शेल्टर ले लेके छुपे हुए हैं, बाहर नहीं निकल रहा है कोई अभी। इस वेदर में गवर्नमेंट सप्लाई ड्रॉप भी भेजे तो लोगों को कितनी मुश्किल होगी ड्रॉप तक पहुंचने के लिए भी। और कमेंट में ये भी बताना कि ये जो ड्राइविंग सीन्स हैं जब मैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जाता हूँ, सो वो सीन्स आपको एपिसोड्स में देखने हैं कि नहीं, कि वो सीन्स को मैं कटआउट कर दूँ। जैसे कि अभी मैं पूरा दिखा रहा हूँ, इस एपिसोड्स में तो मोस्टली सब नॉन कट ही रहेगा, बेसिकली सब कुछ मैं दिखाऊंगा। लेकिन अगर एपिसोड कुछ ज़्यादा ही बड़ा आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है तो कमेंट में बता सकते हो, या आपको बड़े एपिसोड ही देखने हैं तो वो भी बता सकते हो ताकि मैं बड़े एपिसोड ही बनाऊँ। सो लेस्टर का घर आ चुका है बस, अब डेव से पूछते हैं कि उसका घर किधर है। डेव बोल रहा है थोड़ा ही आगे, वो घर देख के पहचान जाएगा कि लेस्टर का घर कौन सा है। सो यहाँ से राइट मोड़ने को बोल रहा है वो, तो चलो मोड़ते हैं। बाप रे हालत बहुत ख़राब है इस एरिया की, ये स्टॉर्म ने पूरा सिटी को तहस महस करके रखा है। सो ये घर है लेस्टर का। सो यहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं, और लेस्टर ने यहाँ पे एक वॉल भी लगा के रखा है। तो डेविड के साथ चलते हैं घर के अंदर। आ जा डेविड, क्लाइंब कर ले। सॉरी मैं से डेविड कह रहा हूँ, उसका नाम डेव नॉटन है। तो ये इस साइड से आ रहा है। बढ़िया,
हाँ लेस्टर ने ये साइड भूल गया वॉल लगाने को, तो चलो हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे वॉल। हमारे पास वॉल है कि नहीं देखते हैं। हाँ वॉल बनाने का सामान है, और बेसिकली जब हम लेस्टर के घर जाए तो कोई जॉम्बी अंदर ना घुस जाए, उसके लिए वॉल लगाना बहुत ज़रूरी है। सो दबाते एंटर, सॉरी क्लिक दबाना। तो जैसा कि देख सकते हो वॉल लग चुकी है और ये एरिया हो चुका है सिक्योर। सो उस साइड से बहुत सारे जॉम्बीज आ गए थे, सो मैंने यहाँ पे उनको मार दिया और उधर वॉल लगा दिए। सो बेसिकली अब लेस्टर का घर पूरी तरह से सिक्योर है। सो चलते हैं अंदर। लेस्टर यहाँ कोई नहीं है अभी तक, तो वो अपने बेड पे भी नहीं, उसका लैपटॉप पड़ा हुआ है लेकिन, और ये दरवाज़ा लॉक है। सो ये दोनों दरवाज़ा लॉक है, ये अंदर चेक आउट करते हैं। What exactly is wrong with you? So computers off है, मतलब लेस्टर काम नहीं कर रहा था। अरे एक zombie यहाँ पे पड़ा हुआ है और ये basically मर गया है। अंदर चेकआउट करते हैं। ओ लेस्टर को zombie ने hurt किया है, खून भी निकल रहा है इसको। Shit. सो गाइज लेस्टर को अभी भी बचाया जा सकता है, हमें बैंडेजेस की ज़रूरत है क्योंकि लेस्टर बहुत सारा खून निकल रहा है। सो वहाँ पे बैंडेजेस और मेडिसिंस हमें लगाने होंगे। सो अभी हमें जाना होगा जनरल स्टोर लेस्टर के लिए मेडिसिंस लाने, जिससे हम उसे ठीक करके और अभी हमारा मिशन पूरा कर सके। सो डेव ने डिसाइड किया, डेव और मैंने, कि डेव इधर ही रहेगा। वैसे वो बहुत इंसिस्ट कर रहा था कि वो मेरे साथ चलेगा, लेकिन ये मिशन में जितना कम लोग हो और मैं अकेला रहूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना मुझे डेव का भी ध्यान रखना होगा। सो डेव को मैंने यहाँ कह दिया है कि कोई जॉम्बी घुसे तो लेस्टर को प्रोटेक्ट करना। वैसे तो मैंने ये एरिया सिक्योर कर ही दिया है, देखो इधर वॉल है, इधर भी वॉल है और इधर भी वॉल है। सो अभी हम जाते हैं जनरल स्टोर पे, और हमारी गाड़ी भी बहुत ख़राब हो चुकी है और वेदर तो रुकने का नाम नहीं ले रही है बारिश तो। सो देखते सबसे पास ही जनरल स्टोर कहाँ पे है। सो मैप में अगर देखे तो बाप रे जनरल स्टोर बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा दूर यहाँ से। तो अभी हमें इधर जाना पड़ेगा और लेस्टर के लिए मेडिसिंस और सप्लाइज ले के आने पड़ेंगे, खासकर बैंडेजेस भी, ताकि डेव और मैं मिलके उसे ठीक कर दे और हम लोग यहाँ से चले। सो ये गाड़ी चेक करते, ये गाड़ी क्या चलती है। सो थैंक गॉड यहाँ पे एक गाड़ी मिल गई हमें। सो अभी हम उस गाड़ी को अबेंडन करके ये गाड़ी लेके चलेंगे, लेकिन हम वहाँ उसमें से फ्यूल निकाल लेते हैं, जो हमने फ्यूल लिया था वो निकाल लेते हैं। सो फ्यूल हमने ले लिया है और उस गाड़ी में हम इस फ्यूल को रख देते हैं। सो इसमें तो हम रख नहीं सकते फ्यूल, तो हम यहाँ पीछे ही छोड़ देते इसको। नहीं ये नहीं हो पा रहा है लगता है। सो अभी हमें लगता है फ्यूल को बाय बाय कहना होगा। सो फ्यूल गाइस हमें छोड़ना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। सो यहाँ पे फ्यूल को छोड़ देते हैं। अरे मैंने अपनी पिस्तौल ही छोड़ दी गलती से। सो या अरे बहुत सारे वॉकर, शिट ये लोग कब आ गए इधर। सो मैं फ्यूल अगर फोड़ दूँ तो सब मर जाएंगे, लेकिन ये गाड़ी को कुछ नहीं होना चाहिए। सो फटाफट गाड़ी में बैठ जाता हूँ जल्दी जल्दी। शिट शिट बाल बाल बचा, पीछे चलते हैं। अभी यहाँ से मैं उनको लर करके उस साइड ले जाऊँगा, आ जाओ सब। और शायद ये मैं फ्यूल पे गोली मारूँ तो ये फट जाएगा। अरे मैं इसको छोड़ भी नहीं पा रहा, ये मॉड्स। हाँ चलो आ जाओ सब,
सबको एक बार मैं मार दूंगा इससे। और ये यस, चलो अभी यहाँ से चलते हैं। देखो ये लोग डॉज भी कर सकते हैं, ज़ॉम्बीज बहुत खतरनाक है इसमें। चलो निकलते हैं, हम जनरल स्टोर की तरफ चलते हैं अब। और इस गाड़ी में हमने फ्यूल भर दिया है, तो देखो मैप के ऊपर दोनों जो सेक्शन है वो पूरे भरे हुए हैं। पिछले वाले गाड़ी में सिर्फ आधा ही था, तो हमने फ्यूल भर तो दिया है। और यहाँ पे एक रनर आ चुका है, सो फटाफट चलते जनरल स्टोर पे। बस थोड़ी दूर और, रास्ते पे बहुत सारे अबेंडेंट गाड़ी। एपोकलिप्स आने के बाद सब पैनिक मोड में चले गए थे और बहुत लोगों ने अपनी गाड़ी ऐसी ही छोड़ दी। और ज़ॉम्बीज ने देखो क्या हाल किया, जब वो लोग हर्ड में आए तो बहुत डेंजरस हो जाते हैं। हर्ड में यानी झुंड में बहुत सारे ज़ॉम्बीज एक साथ आए। सो जनरल स्टोर उधर है, गाड़ी को थोड़ा दूर पार्क करते हैं। सो गाड़ी इधर पार्क करते हैं और चलते हैं स्टोर में बैंडेजेस लेने लेस्टर के लिए। सो गन हाथ में ही रखते हैं, फटाफट जाके लूट लेते हैं स्टोर को। ओह शिट, ये लॉक है। तो स्टोर लॉक पड़ा हुआ है यहाँ से। सो कांच तोड़ के मैं अंदर यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके आ चुका हूँ। सो ज़ॉम्बीज अंदर ही आ रहे हैं, मुझे फटाफट जो सामान चाहिए वो लेके निकलता हूँ यहाँ से। यहाँ से और लूट लेते हैं। और यहाँ पे कुछ बैंडेजेस भी हमें मिल चुके हैं जनरल स्टोर से और कुछ मेडिसिंस। सो यहाँ पे मेडिसिंस भी पड़ी है, सब ले ली है हमने। तो बस अब चलते हैं लेस्टर के पास, और कुछ सामान हो तो लूट लेते हैं ताकि बार बार रन्स ना हमें करना पड़े इधर। और अब प्रॉब्लम ये है कि मैं अंदर तो आ गया कांच तोड़ के, लेकिन मैंने गन चलाया तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ गए। सो मैं यहाँ से निकलूँगा कैसे, ये रूम चेकआउट कर लेते हैं। सो कोई नहीं है। सो अचानक से देख सकते हो लाइट चली गई यहाँ की। सो लाइट चली चुकी है अचानक से यहाँ की स्टोर की। सो अभी मुझे गन की फ्लैशलाइट यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे कंप्यूटर्स है और इसमें सिग्नल नहीं आ रहा है, ये बारिश की वजह से ये लाइट चला गया होगा। और हर तरफ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज। अभी अब मारना ही पड़ेगा इन सबको। मेरे पास नियरली 100 बुलेट हैं, सबको मैं टेक डाउन कर सकता हूँ शायद। शिट कुछ अंदर भी आ रहे हैं। मुझे डर है कि मैं अब रास्ता ब्लॉक ना कर दूं ये लोगों को मार मार के, फिर मैं नीचे से नहीं जा पाऊंगा। सो क्लियर आउट हो चुके हैं सारे ज़ॉम्बीज, फटाफट यहाँ से बाहर निकलते हैं। सो बाहर आ चुका हूँ मैं और जितने बॉडीज़ हैं हो सके लूट लेते हैं। और कोई ज़ॉम्बी मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है, बाइनाक्यूलर्स निकाल के चेक करते हैं। बिल्कुल दूर दूर तक एक भी ज़ॉम्बी नहीं है, क्योंकि सारे ज़ॉम्बीज इधर ही आ गए देखो। और बुलेट सब मुझे थोड़ा केयरफुली यूज़ करना होगा, क्योंकि सिर्फ 72 एमओ बची है। हम और क्राफ्ट भी कर सकते हैं, हमने बहुत सामान लूटा है। सो एमओ क्राफ्ट हमें करना होगा ऑफिस में जाके अपने, जब हम ये मिशन पूरा कर लेंगे तब।
सो चलते हैं लेस्टर वाली लोकेशन में। डेव और लेस्टर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। फटाफट तेजी से चलता हूँ, जितना जल्दी हो सके उसको बैंडेजेस और मेडिसिन देने पड़ेंगे वरना वो मर भी सकता है। सो फाइनली गाइस आ चुके हैं हम अपने लोकेशन में। चलो अंदर चलते हैं फटाफट। सो डेव मैं मेडिसिन लेके आ चुका हूँ। वेरी नाइस, अब उसको फटाफट मेडिसिन लगा लेते हैं। और डेव ने जैसे ही देख सकते ज़ॉम्बीज को क्लियर आउट कर दिया इस घर से। सो फटाफट लेस्टर को ठीक करते हैं। सो लेस्टर को हमने ठीक कर दिया, लेस्टर ने हमें बहुत थैंक यू बोला और लेस्टर तैयार है हमारे साथ एफआईबी में आके काम करने को। सो बॉस बहुत खुश होंगे। अब हमें बस एक काम बचा है, सेफली एफआईबी बिल्डिंग वापस लौटना है। सो लेस्टर को इस घर की अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने सोल्जर्स को भेजूँगा इसके घर में जो भी इम्पोर्टेंट सामान है वो ले कर आने के लिए, लेकिन अभी हमें निकलना पड़ेगा। तो ये वॉल हम अपने पास वापस ले लेते हैं, ये आगे काम आ सकता है। सो लेस्टर के पास भी एक गन है जिससे उसने उस ज़ॉम्बी को मारा था। सो ये अच्छी बात है। सो यहाँ से जल्दी से निकलते हैं हम लोग। अब हमें एक गाड़ी ढूँढनी जिसमें तीन लोग बैठ सके। ये गाड़ी में चेकआउट करते हैं, क्या इसमें बैठ सकते हैं तीनों, देखते हैं। सो बढ़िया, बिल्कुल। सो लेस्टर और डेव, अरे भाई अंदर बैठ जाते, बारिश हो रही है। सो ये लोगों को बारिश में भीगने का मन हो रहा है, सो रहने देते इनको। हम चलते हैं वापस एफआईबी बिल्डिंग में, इस मिशन को कंप्लीट करते हैं। सो जैसा कि देख सकते हो ये एफआईबी बिल्डिंग की लोकेशन है। सो लोकेशन मार्क कर दिए, अभी मुझे रिवर्स लेने दो गाड़ी। डेव और लेस्टर हमें प्रोटेक्ट करेंगे किसी भी चीज से। सो यहाँ पे इतनी सारी अबेंडेंट गाड़ी है, मैं वंडर करता हूँ कि लोग कहाँ पे होंगे। अभी हमें लोगों को भी रेस्क्यू करने जाना पड़ेगा आगे आने वाले मिशंस में। और हमारे बहुत सारे सोल्जर्स मिसिंग हो चुके हैं, उनको भी रेस्क्यू करने जाना पड़ेगा। अब लेस्टर हमारे टीम में आ चुका है तो लेस्टर की मदद से हम उनसे कांटेक्ट वापस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत टेक्निकल रीजंस की वजह से हम अपने सोल्जर्स को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। अब लेस्टर आ चुका है तो आगे आने वाले मिशंस, बहुत सारे रेस्क्यू मिशंस आपको देखने को मिलेंगे आगे एपिसोड्स में। और वेयर इज, अब ट्रेवर का क्या होगा, क्या मार्टिन मद्रासो वापस कहेगा मारने के लिए ट्रेवर को, क्योंकि जो हमारा बॉस है मार्टिन मद्रासो उसकी पर्सनल दुश्मनी है ट्रेवर से। सो उसी ने हमें टास्क दिया था उसे मारने का, लेकिन ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ गया। सो अभी प्रायोरिटीज चेंज हो चुकी है। मैं सोचता हूँ ट्रेवर अभी क्या कर रहा होगा इस वक्त। डेव कह रहा है कि ट्रेवर सेफ होगा, उसे कुछ नहीं हो सकता, वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है। सो मैं भी होपफुल हूँ। सो हम पहुँचने ही वाले एफआईबी बिल्डिंग में। सो वी आर नियरली देयर।
और FIB बिल्डिंग ऊपर है, सो हमें ब्रिज से ऊपर जाना पड़ेगा। होपफुली ये वेदर ठीक हो जाए, इस वेदर में मिशंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अरे आगे बहुत सारी गाड़ी, मुझे वो रास्ता चूज करना था पर उधर जॉम्बीज हैं, सो मैं ठोक के ही निकल लेता हूँ। सो आ चुके हैं हम अपने बेस में। सो ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा गाड़ी आ चुकी है। तो चलो उतरते हैं और फटाफट बिल्डिंग के अंदर घुसते क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है। सो आ चुके हम ऊपर, आ जाओ जल्दी। सो गाइस वी हैव कंप्लीटेड द मिशन, बॉस बहुत खुश होंगे हमारा मिशन देख के, ओ लेस्टर क्या कर रहा है। सो इस एपिसोड को यहाँ पे एंड करते हैं, होपफुली आपको ये एपिसोड पसंद आएगा और अब बॉस से बात करेंगे, जानेंगे आगे क्या प्लान्स है अब और आगे क्या करना है। सो फीडबैक ज़रूर देना कमेंट्स में, ये एपिसोड कैसा लगा, आगे क्या देखना है, क्या अच्छा नहीं लगा, फीडबैक्स मैं ज़रूर कंसीडर करूँगा। सो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एपिसोड देखना है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सी या हैव अ गुड डे, बाय।